चिराई चिराई। आप रिकॉर्डिंग किसके लिए कर? नहीं अपने लिए रिकॉर्ड में रहेगा। ध्यान रहेगा अपनी चिराई। हाँ ये जो चिराई कराते हैं मशीन वो है ना, वो वाला मशीन वो। हाँ तो वो मशीन में जब चिराई करते हैं कितना पैसा लगता है? खर्च खर्चा आएगा आप चिराई का लगभग मान के चलिए 7 रुपए फीट का खर्चा है। ओ 6 से 7 रुपया। कैसे टन कैसे आता है? टन घन फीट पे ले। घन फीट कैसे है? 12 एक घन फीट में 12 स्क्वायर फीट होता है। एक घन फीट में 12 स्क्वायर फीट होता है। तो आप लोग टन के हिसाब से काटते हैं? एक घन फीट की चिराई 70 रुपया खर्चा आएगा। 70 रुपया खर्चा आएगा। हमको तो 50 से 60 रुपया पता था। नहीं तो 50 से 60 रुपया नहीं 58 रुपया तो मशीन में खर्चा आता है। कितना? अच्छा 58 रुपया मशीन का खर्चा है। वो आपने और किसी ने बताया नहीं होगा जो सिंगल बेलेट जो ड्रेसिंग हो रहा ना वो। हाँ वो पत्थर को गुनिया में करने के लिए। अच्छा गुनिया में करने के लिए। हाँ उसका उसके 350 रुपये एक कट के आते हैं। अच्छा एक कट का 350 रुपया लगेगा। वो मिट्टी उट्टी जो नीचे लगाता है वो सब। अच्छा सब आ गया 7 रुपये सब खर्चा। अच्छा वो जो है कितना? 350 रुपया एक स्लैब का। उसमें 2-3 स्लैब रहेगा तो 350 ऐड हो जाएगा जितने कट लगाओ आप। तो ये है मोटा मोटी जो है 50 से 60 रुपया कटिंग का है और इधर जो है 10 रुपया इसका मोटा मोटी रखने का है। 5 रुपए कितना दिन बाद ले जा सकते हैं यहाँ से आपके पास से माल? माल हाँ हाँ तो आज लाए आज आपका पत्थर आ जाता। हाँ हाँ मान लीजिए आज ही पत्थर आ गया। हाँ हाँ तो 2 दिन बाद में भर लो। 2 दिन बाद में भर लेंगे। और अच्छा इनके थ्रू भरा जा सकता है ट्रक में? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ट्रक वाले का पैसा जो है इनके अकाउंट में डाल देंगे। खाली वाहन दे देना। हाँ हाँ सही सलामत आपका माल पहुंच जाए आप दे दे। सही सलामत माल पहुंच जाएगा तो दे देंगे। ठीक ठीक वो भाड़ा तो वहीं देना पड़ेगा। देनी पड़ेगा। हाँ 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 उठाने के पैसे देने। हाँ हाँ देवड़ा माता जी मारमो ग्रेनी दोवड़ा दोवड़ा। हाँ हाँ तो कटिंग के बाद जो है 1 दिन बाद 2 दिन बाद 5 दिन बाद जैसे है आज जो है माल नहीं कट सकते हैं। आज गिरा के आज नहीं एक अच्छा आज गिरा देंगे तो कल कट सकता है कि नहीं? कट जाएगा। अच्छा तो आज गिरा के कल कटा के माल लोडिंग कल करा देते हैं ट्रक में। ठीक है तो चलिए आज स्लैब गिरा देते हैं यहाँ पे। ठीक है और मान लीजिए जो माल बच जाएगा तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद जाता रहेगा क्या? बराबर कटिंग तो होता रहेगा बराबर माल जाता रहेगा तो रेगुलर का काम रहेगा। ठीक है 1 दिन का तो काम है नहीं रेगुलर का। ये तो रेगुलर का काम किया जाएगा तो जैसा जरूरत होगा वैसे ट्रक में लोड किया जाएगा। आज स्लैब वाले के पास चलते हैं ये तो काटने को राजी है ना। हाँ। आज काट देंगे कल हम लोग का लोडिंग हो जाएगा। चाहे आज रात में ही लोडिंग नहीं हो जाएगा लोड तो वो तो जैसे ये पहले एक बार इसको गुनिया में करेगा। हाँ गुनिया में करेगा मशीन तो पूरा वो सेट होगा। अच्छा वो पहले तो मशीन को जो है ना सेप में करेगा तो टेढ़ा मेरा आएगा। हाँ हाँ टेढ़ा मेरा आएगा। हाँ एक दिन तो ये ले लेगी एक दिन तो ये ले लेगा। अच्छा कल हो जाएगा तो कल लोडिंग करा देंगे हम लोग। ठीक है इसको फ्रेशनेस बनाएंगे आज। हाँ 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 कल इसमें कटने अच्छा आज देंगे तो कल लोडिंग हो जाएगा ट्रक में ये बताइए ना। लोडिंग तो वो तो आज भी कर देंगे आप कहोगे। नहीं नहीं वो नहीं माने फ्रेश माल कट के ले जाने के लिए। हाँ आप एक गाड़ी माल पत्थर डलवाएंगे। हाँ कटिंग होने में 2 दिन लगेंगे। कटिंग होने में 2 दिन आने यानी तीसरे दिन लोड होगा माने कि 5 तारीख को लोड होगा। हाँ ऐसे लोड नहीं होगा क्योंकि इसमें लग जाते हैं 7-8 घंटे तो कटने। अच्छा 7-8 घंटे कटने में लग जाएंगे। अच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। मेरी क्या है फ्लाइट की टिकट है 5 तारीख को यहाँ से। हाँ यहाँ से है उदयपुर से है। यहाँ से कौन है नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? उदयपुर है ना तो उदयपुर हमको यहाँ से सुबह 5 बजे की फ्लाइट है। रात को निकलना पड़ेगा तो रात को ही निकलना पड़ेगा 4 तारीख को रात को। यानी कि जो करना है हमको आज और कल ही में करना है तो यानी कि इनके पास स्लैब दे देते हैं फिर 10 दिन बाद आएंगे तब उस समय लोड कराएंगे। और अभी माल दूसरे के पास से लोड करा ले रहे हैं। अभी रेडीमेड ले लो। रेडीमेड ले लेते हैं अभी रेडीमेड ले लो। माल आप आज के आज आपको पत्थर भी मिलेंगे। हाँ अच्छा आज रेडीमेड ले लेते हैं कहीं से। हाँ अभी आपको जितना माल चाहिए। हाँ हाँ उतना आप अपनी मेरी फैक्ट्री का ठेका नहीं है आप कहीं से भी देख लें। हाँ हाँ भाई जरूरी नहीं है कि मेरे यहाँ समझ में आए। हाँ मेरे यहाँ होलसेल का काम है। हाँ आपको रेट ज्यादा नहीं। अच्छा आपके पास भी है माल? हाँ अच्छा आपके पास भी है तो आपके पास भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है जो माल आपको पसंद आए। हाँ हाँ अगर आपको पसंद आ जाए आज ही लोड करवा दें। आज ही लोड करवा देंगे तो आज। हाँ 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 तो आज का आपका भी देख लेते हैं क्या क्या रेट का है क्या क्या नहीं है। मिनिमम रेट क्या है आपका?
मिनिमम 10 रुपए से स्टार्ट है, लगभग 70 रुपए तक। 10 से 70 तो थोड़ा सा दिखा दीजिए ना हमको, कहाँ से क्या है। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए वाला जो माल है थोड़ा दिखा दीजिए हमको। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, दिखाई ना। पार्टी को क्रैक बोल के बेचा जाएगा तो गाली नहीं देगा, नहीं बोल के बेचने से गाली देगा। अभी यहाँ पे आपको क्लियर बोल के ही देंगे। हाँ हाँ, पार्टी को क्या है, ये पार्टी को बोल के बेचने से ना कि देखो क्रैक है इसलिए इसका 10 रुपया है और 70 रुपया इसलिए है कि क्रैक नहीं है, लगाते समय तुम्हारा टूट सकता है, तब वो गाली नहीं देगा, नहीं समझे। तब वो बोलेगा कि हम तो सस्ता वाला खरीदे ही थे रे भाई, तो आदमी पहले ही बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं। आई ना थोड़ा सा माल हमको बताइए, थोड़ा और होता रहेगा, दोनों काम हो जाएगा, आपके पास तो सुविधा है। ये देखिए, हाँ बोलिए सर जी। ये पूरा लाइन है। अच्छा, ये पूरा लाइन क्या है रेट में, ये पड़ेगा आपको 15 रुपये फुट। 15 रुपया पड़ेगा ये, ठीक है। ये इसमें कहाँ क्रेक है, चटक मटक है, थोड़ा बताइए ना। आता है खुलने वाला, कोई पीस नहीं आएगा। हाँ हाँ, ये जैसे कोना टूटा हुआ है, कोना टूटा हुआ है ये। हाँ ठीक है, ये जैसे यूं कि नाप में वापस कम हो जाएगा, नाप में कम हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, ये हाँ तो ये इसे उठा लेते हैं गाड़ी, ये जो है कहेंगे हमको 15 रुपया, तो स्लैब भी खरीद के करेंगे तो 15 रुपया पड़ ही जाएगा। नहीं पड़ेगा, और ज्यादा पड़ेगा, ये तो हमारे तो थोक में आता है, इसलिए क्या है, इसलिए कम में पड़ा है। आप एक गाड़ी ला रहे हो, हाँ हाँ, आपको महंगा पड़ेगा। ये माल जो आप लाओगे ना, हाँ हाँ, माल पड़ेगा आपसे कम से कम 30-35 रुपए फीट। वो 35 रुपए फीट पड़ेगा, नहीं हम तो, हमको तो हिसाब किए, हम लोग तो 15 रुपए फीट पड़ा, 13 रुपए फीट, 12 रुपए फीट एवरेज निकाला था। उसमें क्या है, आपको टाइल बनने वाला आ जाएगा तो और महंगा पड़ जाएगा। हाँ हाँ, जो फूटा होता है वो टाइल ही बनता है। हाँ हाँ हाँ, छोटी साइज, छोटी साइज। अच्छा ये वाला कितना, 15 बता रहे हो? हाँ ये 15 रुपए, ये 15 रुपए फुट हुआ, ठीक है। और बताओ आगे आप। ये लाइन दिखा देता हूँ आपको, ठीक। हाँ पहले सस्ता वाला दिखाओ, उसके बाद महंगा वाला दिखाना। पहले सस्ता वाला। हाँ हाँ ठीक है। हम लोग तो 12-13 रुपया ये किए थे कि अपने से चिराएंगे तो 12-13 रुपया पड़ेगा, फंस जाएंगे आप, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ। हमारा आदमी तो यही बोला कि 12-13 रुपया पड़ेगा, 12-13 रुपये। ये पूरा लाइन है। हाँ हाँ, ये क्या पड़ रहा है, जेके का माल है, ये जेके का माल है, ये 20 रुपए फुट का माल। अच्छा, जेके का माल 20 रुपए पड़ेगा ये। इसमें चटक मटक है क्या, हल्की फुल्की माइनर है ये है चटक मटक क्या, ये नहीं है। हाँ हाँ, लगभग फिलिंग किया हुआ है। अच्छा, फिलिंग किया हुआ है ये कंप्लीट है, माल कंप्लीट। अच्छा अच्छा, ये सब फिलिंग कहाँ किया हुआ है, यहाँ पे तो नहीं किया हुआ है फिलिंग, ये नहीं, ये फिलिंग किया हुआ तो हल्का फुल्का रहता है। यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं किया हुआ, ये फिलिंग किया हुआ नहीं है, दिख रहा है। चटक मटक जो आप बोल रहे हैं ना, क्रैक है ये तो पूरा, इतना ही है। अच्छा, तो ये फूट जाएगा, ये यहाँ तक ही है, खुलेगा, यहाँ तक ही है, खुलेगा नहीं, नहीं खुलता, वो है जो सलंग रहता है, पूरा रहता है ना। अच्छा, वो खुलता है, बाकी इधर से उधर निकल गया तो वो खुल जाएगा। अच्छा, ये 20 रुपए पड़ रहा है, नहीं ये 20 रुपए पड़ेगा, ये सारा रेंज 20 रुपए का है, पूरा लाइन आ गया, ये पूरा लाइन ही 20 रुपए का, एक गाड़ी आ गया पूरा। अच्छा, इसमें मेजरमेंट कहाँ से होगा, ये वाला में मेजरमेंट जो इसमें आ रहा है ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये वाला जो है ये सब लिखा हुआ है, ये ये 38 तो लंबाई है, 80 पीस है इसके, 80 पीस है ये। टोटल कितना हो गया, ये टोटल होगा आपके लगभग 850 फीट होगा एक। अच्छा, ये 850 फीट होगा, ये नपा हुआ नहीं है, एड्रेस मोटली आइडिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सो 30-40 फीट ऊपर नीचे, ये भी 20 रुपया वाला है, ये पूरा 20 रुपया, 20 रुपया वाला है। अच्छा, तो इसमें कहाँ चटक मटक कहीं दिख रहा है क्या, ये इधर से नहीं कटिंग किया हुआ है, चटक मटक ऐसे नहीं दिखेगा, हल्का कोई अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये कटिंग ठीक से नहीं किया हुआ, नहीं ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम है, अलग से कराने से फिर 2 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ेगा। एक ये लाइन है। हाँ, ये लाइन, ये पूरी 15 रुपए। अच्छा, ये लाइन पूरी 15 रुपए है, ये पूरी। इसमें दिखती है क्या चटक मटक, कहाँ है ये, कहाँ पे जरा दिखाएं आप, ऐसे नहीं दिखेंगे, अंदर आएंगे। ये वाला है क्या, ये वाला है, ये तो नहीं है, ये तो रगड़ है, ये रगड़ हट जाएगा क्या, पॉलिश हट जाएगा। हाँ जरा दिखाओ ना, कहाँ पे है वो डिफेक्ट, कहाँ पे, ये तो एक दो पीस सैंपल का है, ठीक है। भीतर का तो दिखेगा ना, भीतर का दिख रहा है क्या, ऐसे आपको नहीं दिखेगा। हाँ, नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। क्या हुआ है, क्या डलगाया हुआ है माल, कुछ नहीं लगाया हुआ, फ्रेश है ये, कुछ लगाया। अच्छा, ये 15 रुपए की आ जा रही है, ठीक है, ये देख लीजिए, 15 की आ रही है, ये 17 की आ रही है, ये
हाँ ये वाली ना, ये 17 की है। अच्छा ये इसमें ये ज्यादा अबरक दिख रहा है, चमक रहा है, तो क्या जल्दी खराब हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ये कभी 17 का है, ये सारा रेट 17 का है। हाँ हाँ ठीक है, ये 10 वाला भी दिखा देता। हाँ दिखा दो आप 10 वाला मेरे पास। हाँ 10 रुपए स्क्वायर फीट वाला, नहीं हम लोग को बताया कि ये 12-13-14 पड़ेगा स्लैब से, इसलिए हम स्लैब खरीदने के चक्कर में था। नहीं, नहीं तो आपके पास तो लगभग 30 रुपए पड़ेगा। हाँ ना लगभग 30 रुपए। हाँ हाँ एक दो तीन, ये क्या है, ये कौन सा माइल का है? ये वाला, ये वाला 10 रुपया है। नहीं अच्छा इसमें डिजाइन वगैरह नहीं निकलेगा ना 10 रुपए वाला में? पूरा डिजाइन वाला बनेगा, वो डिजाइन वाला बनेगा, ये पूरा डिजाइन वाला बनेगा। हाँ हाँ ये डिजाइन वाला बनेगा। दस देख लो आपको, मैं आपको सीधे से बता। हाँ 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 ये क्रॉस में हो जाएगा। हाँ क्रॉस में आएगा, ये डिजाइन तो आएगा लेकिन इसमें हल्का फुल्का क्रेक है इसलिए 10 रुपया। हाँ हाँ कहाँ क्रेक है दिखाओ तो जरा, ये और क्रेक ये आ रहा है अंदर। अच्छा इस साइड क्रेक है, ये अच्छा क्रेक है ये यहाँ पे। बाकी फिगर इनका शानदार, ये 10 रुपए पड़ेगा। नहीं अच्छा तो ये कटिंग करवाना पड़ेगा लगाते समय। अच्छा अभी देते समय ये लेस कीजिएगा ना, ये 10 रुपए में तो मेजरमेंट जो टूट गया वो लेस हो जाएगा। हाँ हाँ जो पूरा है वो पूरा नप जाएगा, वो 10 रुपए में वो हटेगा। नहीं नहीं ये जैसे ये टूट गया, जो टूट गया वो नाप कम हो जाएगा। ये टूट गया अच्छा इसका नाप कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये 10 रुपया मतलब क्रैक नहीं हटता है? नहीं ये पूरा क्रैक, ये 10 रुपया वाला है, ये 10 रुपया वाला है। ठीक है ये वाला क्या रेट का है? ये व्हाइट दिख रहा है, ये महंगा कितने का है? ये 30, ये 30 का है। ये 30 का, ये फ्रेश है। ठीक है ये कंप्लीट फ्रेश है, फ्रेश है ये। ये क्या है? ये 10 रुपए वाला है, ये 10 रुपए वाला, ये वाला भी। निजरना क्या है क्या? ये निजरना है ना, ये भी 10 वाला। ये कौन सा है? ये जेके है, ये जेके और निजरना के आसपास की कोई माइंस है। अच्छा जेके और निजरना दोनों का है ये, 10 का है ये। हाँ ये तो जबरदस्त दिख रहा है, ये लाइन है ये 30 रुपए 30 रुपए। अच्छा ये वाली लाइन जो है 30 रुपए की है, 30 रुपए। इसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं है, फ्रेश माल है। ठीक है ये इतना समझ में आया। और दिखाइए कुछ आइटम आपका, बहुत जबरदस्त आपके पास आइटम तो है। हम तो देख रहे थे कि वो छोटी वाली टाइल्स वो सब कैसे पड़ती है, वो सब छोटी वाली टाइल्स पड़ेगी आपको 6 रुपए फुट, वो छोटी वाली 6 रुपए फीट पड़ेगी ये। ठीक है क्या साइज मिल जाएगा उसमें छोटी वाली में? वो 2 फीट से लगा के 1 फीट तक। ये हाँ हाँ ये वाला सब 6 रुपए वाला है, ये रेट वाली है, ये इनकी रेट अलग, ये तो महंगा है, ये 26 रुपए फुट वाला है, ये 26 रुपया वाला है, रेट अलग है, मतलब टाइल्स में ये भी आ जाता है। ठीक ठीक रेट अलग अलग। और बताओ आप ये सब क्या रेंज का है? ये सब जो दिख रहा है 30 रुपए, ये सब 30 रुपया रेंज का है। ठीक है व्हाइटनेस ज्यादा है नहीं 30 रुपया वाले में? ये हाँ ये क्या रेंज का है? ये 28 रुपए, ये 28 रुपया रेंज का है। अच्छा लग रहा है ये, हाँ शानदार। हाँ हाँ आप लोग को तो ज्यादा पता है, ये पीछे भी 28 वाला। अच्छा ये पीछे भी 28 वाला है, ये जबरदस्त लग रहा है ये। ये 25 वाला है ये। ठीक है इस समय क्रैक वगैरह नहीं है, एकदम बहुत कम है, बहुत कम है, नहीं नहीं के बराबर है, एक ये लाइन है पूरा। हाँ ये वाली लाइन, ये लाइन है 22 रुपया, ये 22 रुपये है, 22 रुपये में भी थोड़ा सा व्हाइटनेस कम हो गया, व्हाइटनेस कम में हल्के फुल्के। हाँ हाँ और आइए इधर भी है, इधर टूटा फूटा उधर क्या है, आई ना इसका भी देखा जाए आपको, सदैव बोल देना। हाँ हाँ में फिर ऐसा ही है, टूटा फूटा निकल जाता है, टाइल बनती है। अच्छा क्या रेट पड़ती है इस सब की? ये तो फिर टाइल बनती है, ये तो 70 रुपये घन फीट का, 70 रुपया घन फीट वाला है, 7 रुपये में पड़ रहा है, लगभग 7 रुपये फीट में पड़ता है वो, 7 रुपये पड़ेगा। और आपको ले जाके कहीं लगाना है बिल्डर लाइन में जा, हाँ, तो ये काम दे सकते, बिल्डर को दिया जा सकता है ये। हाँ। है? ये वो कटिंग करके लगा देगा, कटिंग करके लगा देगा, ठीक बिल्डर को ये दिया जा सकता है, पूरा टूटा ही आएगा, 7 रुपये मिल जाएगा। नहीं ये आएगा टूटा पूरा। हाँ 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 इसको कटिंग करना पड़ेगा,
एक पत्थर के दो दो तीन तीन मिलेंगे। अच्छा, एक एक पत्थर के दो तीन मिलेंगे। ये सब भी लोड करने में कोई दिक्कत नहीं होता है ना? यहाँ से लेबर कर देगा, लेबर कर देगा, लेबर कर देगा। उसका पैसा कौन देगा? वो इधर ही ना, आपको ही देना पड़ेगा। ये जो है ये पत्थर कैसे है? ये वाला, ये सब कैसे है? ये वो दस वाला ही है। दस वाला ही है, टूटा हुआ नहीं है, दस वाला ही। अच्छा, दस वाला ही है ये सब, टूटा हुआ में जाएगा ये। अच्छा, और वो सब जो है पतला वाला जो है वो तो सब 70 रुपये वाला, 17 रुपये वाला, 7 रुपये, वो 7 रुपये वाला है। एक घन फुट में 12 फीट आता है कि 10 फीट आता है? 12 फीट आता है। तो 70 के हिसाब से हुआ तो 6 रुपये रेट हुआ ना, 6 रुपये हुआ रेट। अच्छा, बस ये है, फिर आप तो डिसीजन कर लीजिए कौन सा आपको भरना है। गाड़ी थोड़ा पता कीजिए ना, रांची के लिए क्या गाड़ी है, कितनी है? ट्रांसपोर्ट के नंबर, ट्रांसपोर्ट से आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट से आ जाएगी। इधर और है? अच्छा, इधर और है, दिखाइए। काटने से अच्छा है आज ही लोड करवा देते हैं ये सबको, समझे? काटने से ये बढ़िया है। हाँ, ये सब लोड करा देते हैं, 3 घंटे में गाड़ी लोड हो जाएगी। हाँ, ये लाइन है पूरी, ये लाइन है। ये क्या रेंज की है? ये 25 की है। जबरदस्त लग रही है भाई, 25 की तो ज्यादा क्रैक त्रैक इसमें कम दिख रहा है, है? इसमें क्रैक नहीं है, क्रैक नहीं है। ये गोब है, मतलब लाइनिंग है, लाइनिंग है। 25 का ये तो जबरदस्त है, इसको एक लॉट लिया जा सकता है। ये कितने का होगा? ये 1500 का होगा, 1500 स्क्वायर फीट। ये लगभग 1800 फीट की तक है, 1800 की है ना? हाँ ना, ये तो एक ठो लगाया जा सकता है, एक ठो ये वाला जो है 25 वाला लिया जा सकता है ये। हाँ ठीक है, और पूरा 25 वाला ये कोई भी ले सकता है, है ना? पूरा 25 वाला ही है। अच्छा लग रहा है ये, तो लोडिंग करते समय सब अलग अलग करेगा ना कि सब मिल जाएगा आपस में? नहीं, वो तो सब अलग अलग नंबर डाल के देंगे। अच्छा, ये लिखना पड़ेगा क्या? 1 2 3 4 ऐसे कौन लिखेगा? वो ये खुद लिखेंगे, इसका मार्किंग होगा पूरे को। अच्छा, लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके आप मार्किंग हो के, फिर हर थप्पी पे लिखेंगे ए बी सी डी, वहाँ पे आपके अलग अलग उतर जाएगा फिर। अच्छा अच्छा, ये क्या है रेट ये सबका? ये 30 वाला है, ये 30 वाला रेंज हो गया। ठीक है, एक 30 वाला भी जा सकता है, एक माल जो है ना 30 वाला भी जाएगा। तो इसमें कटिंग वगैरह सब ये कंप्लीट है, कंप्लीट है, ये फ्रेश है, ये इसमें कुछ कटिंग सेटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना, जाके लगेगा, जाके लगेगा। ये 30 वाला हो गया, नहीं तो 30 वाला ये हो गया, ठीक है। 25 वाला हो गया, ये 25 वाला हो गया, 10 वाला हो गया। हाँ, खुद जो है ना सारा माल जो है ना, हम सोच रहे हैं ये व्हाइट है, व्हाइट है। कितने स्क्वायर फीट होगा ये? ये तो होगा आपके लगभग 2000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट। हाँ, ये वाला भी है, वही है रेट, सेम रेट। क्या रेट बताए इसका? 25 है। इसका भी डिजाइन बनेगा ना? डिजाइन बनेगा, व्हाइट है ये, व्हाइट में है क्या? व्हाइट में है ये, ये व्हाइट में। ठीक है, और आइए ना, आगे दिखाइए। ये सब एक ही रेट का, 25 है, 25 का है ये, आप बोलोगे जी डाल देंगे। उसको डालने में कौन सा सुविधा होता है? ये सब क्या रेट का है, ये रेंज का? ये 28 रुपये बताया आपको, ये 28 का है, 25 का, ये 28 का, ये 25 का, 28 का है, और ये 25 का है, आप जो बोलेंगे। ये वाला 28 का है ये। हाँ, ये व्हाइट है क्या? व्हाइट है, ज्यादा बड़ा टाइल्स लगाने में हर मिस्त्री समझ सकता है, लगाने लंबा टाइल्स लगाने लगा देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये क्या रेट बताए इसका? 25 ना। एक स्लैब ये भी डलवा लें क्या? देख लीजिए आप, एक हर तरह का डिजाइन। हाँ, हर तरह का तो डिजाइन होना चाहिए ना, हर तरह का डिजाइन होगा तो वो अच्छा लगेगा। पीछे में इसका थोड़ा डैमेज है ज्यादा क्या? ये रहने दीजिए, इसमें आपको नुकसान होता है, आप पहली बार ले जा रहे हैं इसलिए टूटा हुआ पीस। इधर आइए, इधर देखा जाए, इधर होते ये और देख। क्या रेंज का है ये सब? पानी लगा रहे, 27 रुपये बताइए। 27 रुपये का है ये। इसमें क्रैक वगैरह नहीं है? नहीं आता, बहुत कम, माइनर, बहुत कम। 650 कम्प्लीट हो गया, 650 ही हुआ है अभी तक का।
टोटल इसका भी देखो हाँ ना और डालना पड़ेगा ये देख लीजिए। हाँ क्या रेट का ये है ये सर? सत्ताईस ठीक है। सत्ताईस के अंदर चौतीस पैंतीस ले गाड़ी चलिए आगे चलिए और चला जाए देखा जाए। ये छोटे डलवा दीजिए छोटे। ये क्या साइज के है? ये साइज छोटी है करेक्ट नहीं आएगा इसमें टाइल छोटी है ये। कैसे क्या डिजाइन बनेगा शानदार। क्या रेट का है ये? पूरा लाइन 27 का है जो भी। अच्छा ये पूरा 27 का है ये। डिजाइन बनेगा शानदार। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। एक उधर एक पट्टी दिखाई दिया डिजाइन का। जहाँ डिमांड होगी वहाँ लगा देगा। जहाँ डिमांड होगा ये लगा देगा। छह इंची का है। सुनिए हाँ हाँ। कोई गिलेरी में लगाता है, कोई छत पर लगाता है, कोई पार्किंग में लगाता है। अच्छा अच्छा अलग अलग जगह पर लगाता है। नहीं तो ये साइज का क्या है? क्या साइज का है? आता है मैं बताता हूँ। हाँ 2 फीट का साइज भी आता है। हाँ हाँ चौड़ाई 1/2 फीट ही रहेगी सबकी। हाँ हाँ लंबाई हाँ हाँ 2 फीट है ये 2.5 फीट है। हाँ हाँ ये 1.5 फीट है। अच्छा सबका अलग अलग 1.5 फीट है। हाँ। ये 1 फीट। अच्छा ये हमको ये चाहिए ग्रीन में या पिंक में चाहिए मार्बल? तो वो आपके पास नहीं मिलेगा? ग्रीन पिंक हमारे पास नहीं मिलेगा ना। हमारा व्हाइट का ही काम।